नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन से। दोस्तों, ये वीडियो हमारे दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन में मुनाजिर भाई ने बनाकर भेजा है, तो मुनाजिर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी वीडियो बनाकर हमें भेजना चाहते हैं मैलानी पीलीभीत कहीं से भी, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैलानी से पीलीभीत के बीच में अमान्य परिवर्तन का काम जो किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा, मैलानी से शाहगढ़ के बीच में सियारस स्पीड ट्रायल बीते दिनों पहले कर लिया गया है मैलानी से शाहगढ़ के बीच में। तो बस सवाल एक ही उठ रहा है कि मैलानी से शाहगढ़ के बीच में ट्रेनों का संचालन कब से शुरू किया जाएगा। इस पर अभी तक NER की तरफ से कोई एक्शन या कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। कम से कम 3 से 4 महीने हो रहे हैं सियारस स्पीड ट्रायल के, और अभी तक ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। ऐसा मैलानी से शाहगढ़ के बीच में रहने वालों यात्रियों का कहना है कि आखिर कब ट्रेन संचालन शुरू होगा। तो दोस्तों, बात करेंगे हम मैलानी से शाहगढ़ के बीच में ट्रेनों का संचालन क्यों नहीं हो पा रहा है। इसमें कई अडंगे लग रहे हैं, जैसा सुनने में आ रहा है। सूत्रों के हवालों से खबर है कि मैलानी से शाहगढ़ के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफ़ी तेज़ गति से किया जा रहा है। जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद ट्रेनों का संचालन कर दिया जाएगा। और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि मैलानी से पीलीभीत के बीच में जब पूरी तरीके से रेल सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा, उसके बाद ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवालों से। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि मैलानी से शाहगढ़ के बीच में ट्रेनों का संचालन शुरू होता है या फिर मैलानी से डायरेक्ट पीलीभीत के बीच में ट्रेनों का संचालन शुरू होता है। तो दोस्तों, सामने आपको दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, अगर मैलानी से पीलीभीत के बीच में ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा, तो मान कर रख सकते हैं आप 2 साल से अधिक लग सकते हैं। 2 साल से पहले ट्रेनों का संचालन शुरू होने वाला नहीं है अगर मैलानी से पीलीभीत के बीच में ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। दोस्तों, हमारे हिसाब से मैलानी से शाहगढ़ के बीच में ट्रेनों का संचालन शुरू कर देना चाहिए, ऐसा हमारा रेलवे से अनुरोध है। तो दोस्तों, अगर हमें कोई भी अधिकारी देख रहा है इंडियन रेलवे का, तो मैलानी से शाहगढ़ के बीच में ट्रेनों का संचालन शुरू करने का कष्ट करें या कुछ विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि मैलानी से शाहगढ़ के बीच में यात्री जितने भी रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और व्यापार भी उनका कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि मीटर गेज के ज़माने में काफ़ी काम आती थी ट्रेनें, क्योंकि व्यापारियों को इससे सामान लाने और जाने में आरामदायक हुआ करता था। लेकिन अभी तक 3 साल हो रहे हैं और ट्रेनों की सौगात ब्रांड गेज की नहीं मिली, तो अमान्य परिवर्तन करने का क्या ही फ़ायदा कि अभी तक ट्रेनों का संचालन नहीं शुरू हो पाया और जिसके बावजूद सियारस स्पीड ट्रायल भी करवा लिया गया है। तो देखते हैं ट्रेनों का संचालन कब से शुरू होता है। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा, कुछ दिनों पहले सीतापुर की दिशा से मैलानी की दिशा में मालगाड़ी गई थी रेल लाइन लेकर के, जो कि शाहगढ़ पीलीभीत के बीच में अमान्य परिवर्तन का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, वो रेल लाइन मैलानी पता नहीं मैलानी पहुंच पाई थी रेलगाड़ी मालगाड़ी पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि ठेकेदार ने रेल लाइन को वापस कर दिया है। वापस इसलिए किया गया है दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि मैलानी से शाहगढ़ के बीच में अभी ट्रेन का उद्घाटन नहीं किया गया है, इसलिए मालगाड़ी आई थी रेल लाइन को लेकर वो
मैलानी से आगे नहीं चल सकती जब तक मैलानी से शाहगढ़ के बीच में उद्घाटन नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी मालगाड़ी नहीं अब जा सकती। वो मालगाड़ी शाहगढ़ पीलीभीत के बीच में जो अमान्य परिवर्तन का काम किया जा रहा है उसके रॉ मटेरियल लेकर के आई थी रेल लाइन, पूरी कंटेनर मालगाड़ी थी रेल लाइन की, जो कि वह मैलानी से फिर से वापस कर दी गई है। अब देखते हैं कि वो मालगाड़ी पीलीभीत आती है या नहीं, कि दूसरी तरीके से माल को अनलोडिंग किया जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, तो कैसी लगी जानकारी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। और ये रही दोस्तों वो मालगाड़ी जो कि मैलानी से वापस कर दी गई, ये कुछ दिन पहले गई थी, तो इसका एक्शन व्यू देखिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये रही दोस्तों ये मालगाड़ी।